हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो ये आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आरडी शर्मा की बुक है ना, इसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर वन है नंबर सिस्टम, उसके एग्जांपल्स कराने वाली हूँ। पेज नंबर 13 के हम एग्जांपल करने वाले हैं, एग्जांपल वन। पीछे के जितने भी एग्जांपल है ना, वो सारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हो। साथ के साथ इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो भी चैनल पर अपलोड है, आप उसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जाम्पल वन से। कह रहे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। जितने भी ये डेसिमल्स दे रखे हैं इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। देखो, जो नॉर्मल डेसिमल्स वाले नंबर होते हैं, जैसे 0.1 होता है नॉर्मल, इस पर बार नहीं होता, तो आप उसको ईजिली डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हो। पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देते हैं तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब है कि ये वन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ख़त्म नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है एक। तो इनको कैसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो समझते हैं आज की क्लास में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो पेज नंबर 13 है हमारे पास, जिसका हमारे पास एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, यहाँ पर वन है। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट अगर हम इसका देखें तो 0.1 बार है। आप क्या करो, इसको लेट कर लो, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 बार। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एक्स की वैल्यू 0.1111 आगे चलती रहेगी, ये आ गई है। इसको मैंने अपनी इक्वेशन वन ले लिया। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन वन में दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करें। देखो, जितनी डिजिट पे बार होता है ना, उतने उससे मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे एक डिजिट पे बार है तो 10 से होगा, दो डिजिट से बार है तो 100 से होगा, तीन से बार है तो 1000 से होगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देते हैं, वो वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है, इसमें है मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय 10। तो दोनों साइड होगा तो ये बन जाएगा 10x, और ये एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.111 आ जाएगा। ये इक्वेशन टू हो गई। अब क्या करो, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस कर दो। तीन चार स्टेप्स हैं, बस इन्हें याद रख लो, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू है मेरे पास 10x माइनस एक्स हो जाएगा, ये राइट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, ऐसे होगा माइनस। ठीक है, माइनस 0.111। जब आप इसको माइनस करोगे, देखो मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ माइनस, एग्ज़ाम में आपको ये रफ में करना है। तो ये सब तो ज़ीरो बन गया और यहाँ सिर्फ वन बचेगा, है ना। यहाँ आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/9। तो ये आ गया p अपॉन q की फॉर्म, आपने x को यही तो माना था और x ही आपके पास ये आ गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर 0.1 बार जो है उसको हम लिख सकते हैं 1/9। क्लियर हुआ? चलिए सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर वो है आपके पास 0.2 बार। सेम प्रोसेस है, सबसे पहले लेट करना है एक्स इज इक्वल्स टू 0.2 बार। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0.222 है, ये इक्वेशन वन हो गई। एक डिजिट के ऊपर बार है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 से दोनों साइड पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10x, यहाँ पर आ जाएगा 2.222। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। तो 10x माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 2.222 माइनस 0.222। तो ये हो गया 9x, यहाँ पर आ जाएगा 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/9। इसका मतलब 0.2 बार को मैं 2/9 लिख सकती हूँ, ये इसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट है अब आपके पास, 0.3 बार। अगेन लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.3 बार। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0.33333, इक्वेशन वन हो गई। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय 10, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है।
तो ये हो जाएगा 10x, यहाँ पर आ जाएगा 3.3333 बार। बार लगाओ या रिपीट कर दो, इक्वेशन 2 आ गई। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10x माइनस x, यहाँ आ जाएगा 3.333 माइनस 0.3333, तो ये आ जाएगा 9x, यहाँ पर आ जाएगा 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/9। इसका मतलब 0.3 बार कितना हो गया हमारे पास, 3/9 हो गया। ये हो गई इसकी P/Q की फॉर्म। क्लियर हुआ? चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर फोर्थ पार्ट है आपके पास 0.4 बार। अगेन लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.4 बार, तो एक्स इज इक्वल्स टू 0.4444, ये इक्वेशन 1 आ गई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो यहाँ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 4.44 बार, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब में सेम स्टेप है, बस एक बार याद कर लो। और सारे इतने सारे क्वेश्चंस करोगे ना तो अपने आप आपको याद हो जाएगी इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 10x माइनस x 4.444 माइनस 0.4444, 9x इज इक्वल्स टू 4, एक्स इज इक्वल्स टू में 4/9। इसका मतलब 0.4 बार जो है P/Q है उसका 4/9। क्लियर? अब देखिए ऐसे ही इसके बाकी के दो पार्ट हैं, 0.5 बार और 0.6 बार। ये दोनों आप खुद ट्राई कीजिएगा, कहीं भी दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इन दोनों का भी समझा दूंगी। वैसे कोई मुश्किल नहीं है, सेम इन्हीं की तरह होगा। इसका 5/9 आएगा आंसर, इसका 6/9 आएगा। करना आपको इसी तरीके से है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? तो ये था आपके पास इस पेज का, पेज नंबर 13 का एग्जाम्पल 1। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल 2 देखें यहाँ पर, तो इसमें दो दो और तीन तीन डिजिट पे बार है। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है जो आपके पास NCERT क्वेश्चन है ना। अगेन काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं अभी इसी फॉर्मेट में कि इस तरीके से कैसे करना है। तो इन एग्जांपल्स को अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आप पहले आज एग्जांपल 1 अच्छे से कर लीजिए, कहीं पर भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी चैप्टर के, इसी बुक के जो और भी चैप्टर्स हैं वो चैनल पर अपलोड हैं, उनकी एक्सरसाइज अपलोड है। एग्जाम्पल्स अब हम डेली बेसिस पे कर ही रहे हैं तो वो भी आपको जल्दी मिलते रहेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अपलोड हो चुके हैं एग्जाम्पल्स, आप वो शुरू कर दीजिए करना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।